वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो वी रीड अबाउट पाइथन टोकन्स। फर्स्ट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द प्री रिजर्वड बाई ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव ए फिक्स मीनिंग एंड फिक्स जॉब। एंड नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम दैट आर यूज एज द जर्मन जर्नल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम गिवन्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इट मीन्स कि प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। जस्ट लाइक कोई वेरिएबल, कोई ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर डिफाइनिंग ए वेरिएबल, कि अपन कैसे वेरिएबल या सॉरी आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करते हैं। इसके रूल्स अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता हुआ था लिटरल्स। लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव ए फिक्स वैल्यू। लिटरल्स क्या होते हैं, वो डेटा आइटम होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। देखिए अगर अपन प्रोग्राम के अंदर कुछ भी इंसर्ट करते हैं, जैसे लाइक कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू हो सकती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, वो क्या होंगे अपने यहाँ पे, लिटरल्स होंगे। ये क्या है, अपने आप में कॉन्स्टेंट भी है क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 10, देन यहाँ पे ए तो क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, और 10 क्या होगा, यहाँ पे लिटरल होगा। तो यहाँ पर अपन बात करें लिटरल्स की, लिटरल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी इज इक्वल टू, और देन मैं लिखा ए बी सी, ए बी सी, देन देखिए अगर अपन ए बी सी लिखेंगे तो सिंगल डबल या ट्रिपल कोट्स में अपन लिख सकते हैं, ये भी अपने आप में क्या होगा, एक लिटरल होगा। इट मीन्स अपन जो भी प्रोग्राम के अंदर वैल्यू देंगे यहाँ पे, जो रन टाइम पे हो सकता है, कंपाइल टाइम पे हो सकता है, तो वो क्या होगी यहाँ पे अपन उसको क्या कहेंगे, लिटरल कहेंगे। देन फर्स्ट आता है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, जिसमें अल्फाबेटिक जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स को आप सिंगल कोड, डबल कोड या ट्रिपल कोड्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। पाइथन अलाउ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। पाइथन यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग आपको अलाउ करती है, जिसमें फर्स्ट आता हुआ है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, जो एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर आती है। जैसे लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, वेरिएबल है, देन इक्वल साइन क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन ये अपनी क्या है, स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो वेरिएबल है इसको किससे लिंक किया है, हेलो देयर। हेलो देयर क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसको आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल में भी लिख सकते हैं, और ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल स्ट्रिंग, या अपन कह सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। देखिए कैसे, सपोज देयर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, जिसमें फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा हेलो, देन ये स्लैश और देन वर्ड। तो देखिए जब भी आपको मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग देनी है या मल्टीपल स्ट्रिंग देनी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मोर देन वन लाइन में स्ट्रिंग है तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश का यूज करेंगे। जैसा मैंने यहाँ पे किया हेलो, देन बैक स्लैश और देन वर्ड। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आता है कि जब भी अपन मल्टी लाइन स्ट्रिंग देते हैं तो यहाँ पे अपन स्लैश का यूज करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लाइक यहाँ पे दे रखा है str1। तो देखिए ये टेक्स्ट वन भी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, जिसमें क्या वैल्यू है, हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट अपन बात करें str1, str1 भी क्या है, वेरिएबल है, जो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप, हेलो वर्ल्ड देयर आई कम चीयर्स, यहाँ पर कहीं भी आपको स्लैश नहीं लिखा है। क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रिपल कोट्स के अंदर आप अगर कोई स्ट्रिंग देते हैं और वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आपको स्लैश की जरूरत नहीं होती। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो बैक स्लैश नीडेड एट द एंड ऑफ द लाइन व्हेन यूज ट्रिपल अपोस्ट्रोफे और कोटेशन। अगर आप ट्रिपल कोटेशन या ट्रिपल अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं, इट मीन्स आपको बैक स्लैश की जरूरत नहीं होती। तो ये तो अपनी फर्स्ट जो अपना जो लिटरल आता है वो क्या, स्ट्रिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो करते हैं न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जिसके अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है। अब वो चाहे इंटीजर हो सकती है, चाहे फ्लोट हो सकती है, या अपन जिसको फ्रैक्शनल वैल्यू भी कहते हैं। तो देखिए जिसमें फर्स्ट दे रखा है इंटीजर और INT, इसको इंटीजर भी बोलते हैं अपन और INT। इसमें क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर विथ नो डेसिमल पॉइंट। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है जो विदाउट डेसिमल पॉइंट होती है। जैसे लाइक एग्जांपल दे रखा है, तो देखिए इसमें इंटीजर के अंदर डेसिमल इंटीजर आ सकता है, ऑक्टल है, और देन हेक्साडेसिमल है।
तो यहाँ पर अपन जो अपने जो इंटीजर वैल्यू है वो ऑक्टल में भी हो सकती है, हेक्साडेसिमल और डेसिमल तीनों में हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स का मतलब क्या है, जहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू है, हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। इस लाइक यहाँ पे देखा -2.0, 17.5, -13.0 और 0.3, 0.7, दीज आर द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन। इट्स लाइक ये अपनी क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म है 0.58 e की पावर 01, तो ये अपनी क्या है जो एक्सपोनेंट फॉर्म है। नेक्स्ट आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स लिटरल। तो देखिए मेन जो आपके दो लिटरल है कौन कौन से हैं, एक तो स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक लिटरल्स, जिसके अंदर आपको मेनली आपको ये ध्यान रखना है इंटीजर और देन फ्लोट। कॉम्प्लेक्स लिटरल, कॉम्प्लेक्स लिटरल क्या कहता है कि आर द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी जे वेयर ए एंड बी आर फ्लोट, जिसमें क्या होगा ए और बी कोई ना कोई फ्लोट वैल्यू होगी और जे रिप्रेजेंट अंडर रूट माइनस वन। जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर रूट माइनस वन को कर रहा है, विच इज एन इमेजिनरी नंबर। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है बुलियन लिटरल्स। ट्रू एंड फॉल्स आर ओनली द बुलियन लिटरल्स वैल्यू इन द पाइथन। पाइथन के अंदर ट्रू और फॉल्स जो वैल्यू है वो क्या है, बुलियन लिटरल्स है। जैसा यहाँ पे देख रहा है ट्रू और एक है फॉल्स। तो देखो क्या होगा कि जब भी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो पाइथन क्या रिटर्न करता है, ट्रू करता है। कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एक क्या है, कीवर्ड भी है और एक बुलियन लिटरल भी है। तो जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे जीरो और वन का यूज भी किया जाता है, पर जो पाइथन के अंदर अपन क्या यूज करेंगे, ट्रू और फॉल्स का यूज करेंगे। तो ये दो क्या होते हैं, अपने बुलियन लिटरल्स होते हैं। देन नेक्स्ट आ रहा है नन लिटरल्स रिप्रेजेंट अब्सेंस ऑफ वैल्यू। अगर आपको मिलता है नन, इट मीन्स अब्सेंस ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ वैल्यू। नन किसको रिप्रेजेंट करता है, जहां पे कोई भी वैल्यू ना हो उसे कौन रिप्रेजेंट करता है, नन। तो आपको मेनली क्या ध्यान में रखना है कि इंटीजर जहां पे क्या आता है, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट आपके कोई वैल्यू आती है। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग पॉइंट, जहां पे क्या आता है, फ्रैक्शनल पार्ट आता है। नेक्स्ट आपका आता है बुलियन लिटरल, जिसमें ट्रू और फॉल्स होता है। तो ये मेनली आपको यहां पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। देखिए ऑपरेटर क्या होता है, इट मीन्स कुछ ना कुछ ऑपरेट करता है। ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन और एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल और अदर ऑब्जेक्ट इन एक्सप्रेशन। ऑपरेटर क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई कंप्यूटेशन करते हैं, कोई ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। कब करते हैं, जब इनको किसी वेरिएबल पे या किसी अदर ऑब्जेक्ट पे किसी एक्सप्रेशन में अप्लाई किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस और बी, अब यहाँ पे प्लस क्या एक ऑपरेटर है जो क्या परफॉर्म करेगा, ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड करने का काम करेगा, सम करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोई ना कोई सिंबल होते हैं जो कोई जो किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं, और किस पे परफॉर्म करते हैं, ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करते हैं। तो देखिए मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, प्लस तो यहाँ पे क्या है ऑपरेटर, और ए और बी दोनों ही क्या है यहाँ पे ऑपरेंड्स है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी है, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करनी है, वो तो क्या हो गए ऑपरेंड्स, और करता कौन आपका ऑपरेटर। तो प्लस यहाँ पे क्या है ऑपरेटर है, और ए और बी क्या होंगे ऑपरेंड्स होंगे। इट मीन्स कि ऑपरेटर क्या करते हैं, जब भी किसी एक्सप्रेशन के अंदर अपन किसको वेरिएबल के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ अपन अप्लाई करते हैं, देन ये कोई ना कोई कैलकुलेशन करते हैं। नॉट वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट्स टू विच द कंप्यूटेशन इज अप्लाइड आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। कोई भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जिस पे अपन क्या करते हैं अपने जो कंप्यूटेशन अप्लाई करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ए प्लस बी, तो ए और बी यहाँ पे क्या है ऑपरेंड्स। नेक्स्ट इज ऑपरेटर, यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, यूनरी और बाइनरी। देखिए यूनरी ऑपरेटर कौन सा है, जो सिंपली अपन कहते हैं कि जो सिंगल ऑपरेंड्स पे वर्क करे, जिसमें ओनली वन ऑपरेंड्स हो, वो क्या होगा यूनरी। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ए प्लस बी, तो इसमें टू ऑपरेंड्स हैं, देन ये क्या होगा बाइनरी होगा। जहाँ पे अपन ओनली वन ऑपरेंड्स को काम में लेंगे वो क्या होगा यूनरी ऑपरेटर, और जहाँ पे टू ऑपरेंड्स को काम में लेंगे वो क्या होगा बाइनरी ऑपरेटर। तो देखिए यूनरी ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर
वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन. इट मींस कि जिसमें ओनली एक ही ऑपरेंड्स होता है कोई ना कोई टास्क करने के लिए. जैसे अपने यहाँ पे आगे आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लस ए. अब ये प्लस ए जो अपन काम में लेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर होगा क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑपरेंड्स है. अगर अपन बात करें बाइनरी ऑपरेटर, तो बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स टू ऑपरेट अपॉन. इट मींस जिसमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है जिसपे कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होता है अपना बाइनरी ऑपरेटर. जैसे मैंने एग्जांपल दिया ए प्लस बी, यानी ये प्लस क्या है यहाँ पे बाइनरी और ये प्लस यहाँ पे क्या है यूनरी प्लस, इसको अपन कहते हैं यूनरी ऑपरेटर. नेक्स्ट इज पंचुएटर्स, या अपन कह सकते हैं सेपरेटर्स. पंचुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज प्रोग्रामिंग सेंटेंस या फिर स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फासिस ऑफ एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट और प्रोग्राम स्ट्रक्चर. देखिए कहने का मतलब क्या है, पंचुएटर्स क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको अपन क्या किस लिए यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए. अगर अपन अलग अलग तरीके के टोकन्स यूज करते हैं तो उनको सेपरेट करते हैं, तो इनको अपन सेपरेटर्स भी कहते हैं. या अपन कोई फंक्शन यूज करते हैं तो उसका पैरेंथेसिस यूज करते हैं, देन वो भी क्या होगा यहाँ पे पंचुएटर्स. तो पंचुएटर्स या सेपरेटर्स क्या होते हैं कि अपन अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो जो सिंबल्स अपन काम में लेते हैं वो क्या होते हैं अपने पंचुएटर्स या फिर सेपरेटर्स. जिसमें अपन कोई भी जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो भी अपन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, या अपन कहते हैं कोई भी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो सारे जो सिंबल्स है वो किसमें काम में आते हैं, प्रोग्रामिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए. अब कौन कौन से सेपरेटर्स हैं, जस्ट लाइक इन्वर्टेड कोमा है, इसमें सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, हैश साइन, स्लेश, पैरेंथेसिस, यहाँ पे देगा कर्ली ब्रेसेस, देन आपका आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, एट द रेट साइन, कोलन, डॉट, इक्वल साइन, ये क्या होंगे यहाँ पे पंचुएटर्स. तो ये अपने क्या टोकन्स, प्रोग्राम में कौन कौन से टोकन काम में लेते हैं अपन, तो कौन कौन से टोकन है अपने, तो देखिए जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आर द प्री रिजर्वड बाई कंपाइलर, या अपन कह सकते हैं बाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम. नेक्स्ट आपको ये जरूर ध्यान में रखना है रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स, रूल जो आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के रूल क्या होते हैं. नेक्स्ट आपका आता है लिटरल्स. लिटरल्स में अपने कौन से हैं, तो स्ट्रिंग लिटरल है और एक क्या अपने न्यूमेरिक लिटरल्स. स्ट्रिंग लिटरल्स की बात करें तो जिसके अंदर एक तो आता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग और एक आता है सिंगल स्ट्रिंग या सिंगल लाइन स्ट्रिंग. तो देखिए सिंगल लाइन स्ट्रिंग है जो एक ही लाइन के अंदर आती है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है वो क्या कहता है कि एक से ज़्यादा लाइन के अंदर उसको अपन लिख सकते हैं. नॉर्मली मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, बैकस्लैश का यूज़ करते हैं. पर अगर अपन ट्रिपल कोट्स का यूज यहाँ पे करते हैं या ट्रिपल अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं तो यहाँ पे अपन को बैकस्लैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नेक्स्ट आपका आता है न्यूमेरिक लिटरल्स. न्यूमेरिक लिटरल्स के अंदर क्या है कि आप या तो इंटीजर काम में लेंगे, इट मींस विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, या फिर अपन क्या काम में लेंगे फ्लॉट, इट मींस विद फ्रैक्शनल पार्ट. इंटीजर के अंदर डेसिमल वैल्यू हो सकती है, ऑक्टल हो सकती है और हेक्सा डेसिमल हो सकती है. अगर अपन बात करें इसके बारे में, अपन आगे बात करेंगे कौन कौन सी ऑक्टल है, कौन सी हेक्सा डेसिमल है. नेक्स्ट आपका आता है फ्लॉटिंग. फ्लॉटिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट होता है. जैसे एग्जांपल में दे रखा है -2.0, 17.5, 0.3, दीज आर द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल. एक आता आपके एक्सपोनेंट फॉर्म, कि अगर अपन को कोई भी वैल्यू एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होता है देन वो भी क्या होता है यहाँ पे फ्लॉट लिटरल होता है, या फिर अपन उसको रियल लिटरल्स भी कहते हैं. नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्स लिटरल, जो किस फॉर्म में होता है ए प्लस बी जे, जहाँ पे ए और बी क्या है फ्लॉट वैल्यू और जे क्या है यहाँ पे एक अपन कह सकते हैं √-1, और इसे अपन क्या कहते हैं इमेजरी नंबर भी कहते हैं. नेक्स्ट आपका आता है बुलियन लिटरल. बुलियन लिटरल मीन्स ट्रू और फॉल्स. और एक आपका आता है नन, यहाँ पे क्या है लैक ऑफ वैल्यू. नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटर्स. ऑपरेटर मीन्स सिंबल दैट परफॉर्म एनी टास्क ऑन ऑपरेंट्स, जो किसी ऑपरेंट्स पे काम करते हैं, जो टू टाइप्स के होते हैं कौन कौन से, यूनरी और बाइनरी. जो सिंगल ऑपरेंट्स पे काम करेंगे वो यूनरी, जो टू ऑपरेंट्स पे काम करेंगे वो बाइनरी. ऑपरेंट्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल में बताया मैंने प्लस यहाँ पे क्या है ऑपरेटर, एंड ए और बी क्या है ऑपरेंट्स. यहाँ पे प्लस ए देन ए क्या है ऑपरेंट्स और प्लस क्या है यहाँ पे ऑपरेटर. देखो दोनों का मीनिंग यहाँ पे अलग अलग है. ए प्लस बी है अलग रिजल्ट देगा, प्लस ए अलग रिजल्ट देगा. ये यूनरी प्लस है, इसे अपन कहते हैं बाइनरी प्लस.
नेक्स्ट आपका आता है पंचुएटर्स, या अपन कह सकते हैं सेपरेटर्स, इट मीन्स जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम में आए और प्रोग्राम के अंदर अपन कह सकते हैं कि सेपरेशन का भी काम करें, एंड वो क्या होते हैं आपके सेपरेटर्स या फिर पंचुएटर्स। थैंक यू।